बिग बॉस सीजन 14 से जान कुमार सानू कुछ हफ्ते पहले एविक्ट हो चुके हैं, लेकिन बिग बॉस का घर छोड़ने के बाद जान कुमार सानू पॉपुलर भी हो चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब प्री क्रिसमस पार्टी में जान कुमार सानू ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की तो एक बार फिर से बिग बॉस के बारे में ढेर सारी बातें की। चैलेंजर्स के शो में आने से शो कितना बदल गया है इस पर भी अपनी राय रखी है। आइए देखते हैं अब बाकी लोग जो बचे हैं क्या लग रहा है, कौन विनर होगा? आपके अंदर जाने के कोई चांसेस अभी नज़र आ रहे हैं? मुझे तो ये आपको क्रिएटिव से पूछना पड़ेगा मेरे अंदर जाने के चांसेस के बारे में। बिग बॉस वाले कब किसको अंदर भेज दे? हाँ, काफ़ी लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, मगर मेरा जवाब वही है जो मेरा पहले मैंने आपको बताया था। मुझे चाहिए एजाज भाई जीते और ट्रॉफी उठाए। उनका गेम अभी और भी ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। ही इज़ अलोन नाउ, ऐसा मैंने सुना है कि वो अकेले खेल रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड एंड आई रियली होप कि वो जीते। राखी गई, कश्मीरा गई, कैसा लगा आपको? थोड़ा एंटरटेन हुआ? मुझे रिलीफ लगा कि मैं सही वक्त पर बाहर आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडल कर पाता इनका जो प्रेशर, ये जो अपना ए गेम लेके आए हैं ना सामने, आई डोंट थिंक मैं वो प्रेशर हैंडल कर पाता। तो आई एम वेरी रिलीव कि मैं सही टाइम पे आ गया बाहर। एंड एंटरटेनमेंट वाइज मैंने ऑनेस्टली एपिसोड्स उतने फॉलो नहीं किए बाहर आने के बाद, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, बट हाईलाइटेड एपिसोड्स थोड़े मैंने भी देखे हैं एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थोड़े हाँ चीज़ें हैं बट वो तो आई थिंक द एंटायर नेशन इज टॉकिंग अबाउट। कश्मीरा साहब से आज मैं शाम को मिला तो वो कहती हैं कि 12 सप्ताह जान था और जान को लोग 12 सप्ताह देखने के बाद भूल गए, लेकिन मैं 10 दिन में लोगों को इतना याद रहूँगी। हाँ हाँ, ये उन्होंने कहा रिएक्शन। आई थिंक कश्मीरा इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड ऑफकोर्स शी इज सच अ बिग नेम, तो लोगों को डेफिनेटली वो ज़्यादा याद रहेगी। मगर मैंने जहाँ तक सुना है, मेरे जाने के बाद ऐसा एक दिन नहीं हुआ जब मेरे बारे में बातें नहीं हुई हैं घर में। सो आई थिंक हम दोनों बराबर पे चल रहे हैं अभी फिलहाल तो। क्या बात है। या डे टू डे आप नहीं देख रहे हैं? आप हाँ गेम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी टॉप 5 में या टॉप 3 में कौन आएगा? टॉप 3 में मैं देखना चाहूँगा एजाज भाई को फर्स्ट नेम। सेकंड आई वुड लाइक टू सी रुबीना बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ये मुझे मेरा नज़रिया घर के बाहर आने के बाद ये बदला। मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, आई वॉज़ वेरी वेरी अमेज्ड। एंड द थर्ड नेम आई वुड टेक इज आई गेस राहुल, बिकॉज उनकी फ़ैन फॉलोइंग मैंने देखी बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक राहुल, रुबीना एंड एजाज भाई, ये टॉप 3 में से, मतलब नहीं टॉप 3, जीतेगा तो एक ही एजाज भाई जीतेगा, मेरे एजाज भाई जीतेंगे पक्का से। जब आप बाहर निकले तो अखबार जान कुमार सानू के नाम से कलरफुल हो गए, हेडलाइंस बनी दुनिया भर में, इंटरनेट में। अब जो अंदर लोग हैं उनकी हेडलाइंस, कम से कम आप खबर शो नहीं देख रहे हैं तो खबर पढ़ रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी खबरें आपको डिसअपॉइंट करती हैं, किसकी हरकतें? डिसअपॉइंट आई थिंक ये एक बीच में एक बात हुई थी विथ राखी, नहीं अर्शी एंड विकास को लेकर एक वाक्य हुआ था जहाँ पर उन्होंने पूल में धक्का दे दिया। आई थिंक वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज किसी के मॉम के बारे में आप ना बात करें तो बेहतर है, बिकॉज वो एक बहुत डीप पर्सनल एक चीज़ थी जो अर्शी ने बहुत नेशनल टेलीविजन पर ऐसे उछाला। वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि कोई इतना नीचे तक की बातें करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज़ फॉरगिवन आई गेस, सो इट्स गुड। राहुल ने आपको शो में खूब पोक किया था, बहुत ज़्यादा किया था, नाउ कुछ डिफरेंस दिखता है, उनके बदलाव दिखता है? ऑनेस्टली मैंने शो देखा नहीं उतना कि मैं बदलाव देखूँ, बट हाँ आई थिंक आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम बाहर से, जब आए वो, उनके गेम में मुझे बदलाव दिखा है, क्योंकि उनको पता है अभी कि उनकी कमियां क्या है, बिकॉज़ वो बाहर थे एक हफ्ते फिर वो अंदर गए, तो वो एक एडेड एडवांटेज उनके पास है जो उनके गेम में दिख रहा है। ही इज़ मच मोर बोल्डर एंड कॉन्फिडेंट एंड इट्स शोइंग, बिकॉज ही आई थिंक वो बाहर से देख कर एक हफ्ते तक उन्होंने देखा काफ़ी कुछ। सो हाँ, राहुल के गेम में एक ऐसा बदलाव तो आया कि वो बहुत ज़्यादा और भी वोकल हो गए हैं एंड वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अभी।